नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की प्रगति के लिए क्या कुछ परियोजनाएं बनाई हैं, प्रदेश को प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ नीतियां तैयार की हैं। हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए की। इससे पहले उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जगाधरी को मनोहर सौगात, शहर के विकास की बढ़ेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी के अनाज मंडी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की। सढ़ोरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने किशनपुरा गांव में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाने, फारूकपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ साथ जिला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 680 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की। यहाँ का किसानों का इलाका ये भी बहुत भरपूर, यानी एक उत्तम फसल पैदा करने वाला किसान वो यहाँ का किसान है। तो मित्रों, यहाँ के किसानों के लिए बहुत काम ने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहाँ जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी, तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा, उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, यह बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी थी, ये हमारा। इसी प्रकार एक रेलवे का प्रोजेक्ट करनाल से यमुनानगर, ये भी मंजूर हो चुका है, इसका भी सर्वे हो रहा है। करनाल से और यमुनानगर तक की रेलवे लाइन ये हमारी बनेगी, इस पर भी हम लोग और बहुत जल्दी इसका लाभ हम ले सकेंगे। बड़े बड़े कामों में अगर मैं कहूं तो दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी का एक प्रोजेक्ट 135 किलोमीटर का, और वो 135 किलोमीटर के कारण से जो लोग पहले दिल्ली से अंदर होकर के और तब पश्चिम भारत में जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, अब उनको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से बाहर बार केएमपी का कुंडली मानेसर पलवल रोड बना है, ये भी एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। वहां औद्योगिक इकाइयां भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। जहां तक उद्योग के विस्तार की बात है, क्योंकि जहां डिमांड होती है वहीं उद्योग होता है। अभी तक ये सारा उद्योग गुड़गांव केंद्रित था, गुरुग्राम केंद्रित उस इलाके में, चाहे रेवाड़ी जिला है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव है, रोहतक है, सोनीपत है, उसके इर्द गिर्द था, दिल्ली के इर्द गिर्द। लेकिन मित्रों, अब चंडीगढ़ के इर्द गिर्द इस उद्योग की हमने योजना बनाई है कि वो चंडीगढ़ के इर्द गिर्द हमारे जो जिले हैं, जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है,
अब इन जिलों के अंदर उतना ही उद्योग जितना गुड़गावा में है उतना उद्योग अभी इन जिलों में लेके आने वाले हैं, इसलिए बहुत बड़ा विस्तार इस काम यहाँ कर रहे हैं। हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए की। इससे पहले उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हरियाणा प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और गेहूं के सीजन में इस बार गेहूं का निर्यात भी किया गया है, इसलिए देश में गेहूं का संकट ना आए। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप हरियाणा में 10 दिनों के लिए पुनः गेहूं की खरीदी की जाएगी और यह 16 मई से प्रारंभ हो जाएगी जो 25 मई तक चलेगी। जो किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं वह मंडियों में आ सकते हैं। यहाँ का किसानों का इलाका ये भी बहुत भरपूर, यानी एक उत्तम फसल पैदा करने वाला किसान वो यहाँ का किसान है। तो मित्रों, यहाँ के किसानों के लिए बहुत काम ने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहाँ जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी, तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा, उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी थी। सीएम ने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। यमुनानगर के 5 खंडों में 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। मित्रों, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के, और वहां जो नया उद्योगपति है छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग एमएसएमई के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी जिनके पास अब काम कम हो गया उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। वो फिर लघु इंडस्ट्री में चाहे वो प्लाईवुड का नक्शा यानी प्लाईवुड की इंडस्ट्री बनाए, चाहे बर्तन की इंडस्ट्री बनाए, जो भी उसको करना है वो सब। प्रगति रैली में सीएम ने कहा कि पिछले 7 सालों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। पिछले 3 साल में जिला यमुनानगर में लगभग 1087 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। मैं अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा बताता हूँ तो इस इलाके के अंदर 1023 करोड़ रुपया इस जिले में हमने लगाया है बिना किसी भेदभाव के। और विधानसभा के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो 245 करोड़ रुपया जगाधरी, 289 करोड़ रुपया यमुनानगर, 247 करोड़ रुपया सढ़ोरा,
241 करोड़ रुपया रादौर, यानी सब विधानसभाओं में लगभग 250 करोड़ रुपया लगा है, 1083 करोड़ रुपया। और उसके नाते से आज भी 9 जो शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स हैं उनका किया है, लगभग 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये आज किए गए। तो इसलिए कोई भी काम हम इसमें पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे जिसमें 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम चल रहा है। यमुनानगर से पिहोवा तक नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी प्रकार करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन भी मंजूर हो चुकी है, इसका सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रादौर लाडवा कुरुक्षेत्र पेहवा और आगे पटियाला तक ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है, 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रगति रैली में गेहूं के कम उत्पादन पर भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि किसानों के हित के लिए हरियाणा में 10 दिनों के लिए पुनः गेहूं की खरीद की जाएगी, साथ ही प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टर योजनाएं बनाई हैं। हरियाणा के आसपास के जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर भी चर्चा की है, साथ ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भूमिगत जल का स्तर बढ़े इसके लिए सरस्वती नदी के पुनरुद्वार की परियोजना की शुरुआत कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ के आसपास के जिलों यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। यहाँ भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। जहाँ तक उद्योग के विस्तार की बात है, क्योंकि जहाँ डिमांड होती है वहीं उद्योग होता है। अभी तक ये सारा उद्योग गुरुगांव केंद्रित था, गुरुग्राम केंद्रित उस इलाके में, चाहे रेवाड़ी जिला है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव है, रोहतक है, सोनीपत है, उसके इर्द गिर्द था, दिल्ली के इर्द गिर्द। लेकिन मित्रों, अब चंडीगढ़ के इर्द गिर्द इस उद्योग की हमने योजना बनाई है कि उस चंडीगढ़ के इर्द गिर्द हमारे जो जिले हैं जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, अब इन जिलों के अंदर उतना ही उद्योग जितना गुड़गांव में है उतना उद्योग अभी इन जिलों में लेके आने वाले हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा विस्तार इसका हम यहाँ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में प्रदेश में 58 आरओबी आरयूबी बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान केवल 45 आरओबी आरयूबी बने हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा की धरती पर सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए जाएंगे और 1 बांध आदि बद्री में बनेगा जिससे पानी की अविरल धारा सरस्वती नदी में बहेगी। इसी प्रकार लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुत बड़ा स्मारक बनाने की भी योजना बनाई गई है जिसके लिए जमीन ले ली गई है और जल्द ही स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही राज्य सरकार हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बना रही है। इसी योजना के अंतर्गत यमुनानगर में 200 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर लाल सरकार ने राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए हरियाणा के हर जिले में करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।